मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा हुआ है। इससे पहले प्रदेश में नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। इस सियासी बयानबाजी के साथ कानूनी पेच में उलझे विधायकों की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही है। सोमवार को हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अशोकनगर के बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। विधायक जज्जी पर 50,000 का जुर्माना लगाने के साथ ही सदस्यता निरस्त करने के लिए कहा गया। जज्जी के अलावा दो विधायक और हैं जिनकी सदस्यता पर संकट है। तीनों विधायकों में दो बीजेपी तो एक कांग्रेस का है। जजपाल सिंह पहले ऐसे विधायक नहीं है जो कानूनी पचड़ों में फंसे हों। इनमें अजब सिंह कुशवाहा भी शामिल हैं। सरकारी जमीन बेचने के आरोप अजब सिंह पर लगे हैं। इस मामले में ग्वालियर के महाराजपुरा थाने में शिकायत दर्ज हुई है। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा के विधायक एदल सिंह कंसाना के बीजेपी में शामिल होने के बाद नवंबर 2020 में उपचुनाव हुआ था। इस उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार अजब सिंह कुशवाहा बीजेपी के एदल सिंह को हराकर विधायक बने थे। विधायक बनने के बाद अजब सिंह कुशवाहा कानूनी मुश्किलों में घिर गए। आरोप है कि विधायक ने सरकारी जमीन को अपना बताते हुए लगभग 75 लाख में बेच दिया था। इस मामले पर सुनवाई करते हुए ग्वालियर कोर्ट ने विधायक अजब सिंह समेत अन्य लोगों को 2-2 साल की सजा सुनाई है और 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इस फैसले के बाद कांग्रेस विधायक की सदस्यता पर संकट मंडराने लगा। अगर किसी विधायक को 2 साल या उससे अधिक की सजा हो जाती है तो उसकी विधानसभा से सदस्यता तो जाएगी, साथ में 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी होंगे। फिलहाल सजा सुनाए जाने के बाद उनके वेतन भत्ते रोक दिए गए हैं। अब हम आपको एक और ऐसे विधायक के बारे में बताते हैं जो कानून के शिकंजे में फंसे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं उमा भारती के बड़े भाई हरबल सिंह लोधी के छोटे बेटे राहुल सिंह लोधी की, जो टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा से 2018 में पहली बार विधायक बने। विधानसभा चुनाव के बाद राहुल लोधी से चुनाव हारने वाली कांग्रेस प्रत्याशी चंदा रानी गौर ने राहुल लोधी पर निर्वाचन पत्रों में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया और इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। याचिका पर सुनवाई के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने राहुल लोधी का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया। फिलहाल राहुल लोधी इस मामले की अपील करने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। हालांकि इसी मामले को लेकर चंदा रानी गौर ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दायर की है। अगर सुप्रीम कोर्ट से लोधी को स्टे नहीं मिला तो उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो सकती है। राहुल लोधी और जजपाल सिंह जज्जी को नोटिस जारी किए गए हैं। दोनों विधायकों की तरफ से जवाब आने के बाद आगे कार्रवाई होगी। यदि इन विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला तो सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई विधानसभा की ओर से की जाएगी। चलिए हम आपको बताते हैं कि ऐसे मामलों में क्या नियम है। रिपोर्ट्स की माने तो हाईकोर्ट से सजा के बाद विधायकों को अपर कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। हाल ही में 2 तरीके के मामले सामने आए। कुछ निर्वाचन से जुड़े मामले हैं जिसमें गलत जानकारी दी गई, कुछ सजा के मामले होते हैं। इनमें 2 नियम हैं कि 2 साल या 2 से अधिक साल की सजा किसी को होती है उसका चुनाव शून्य हो जाता है। ऐसे में विधानसभा को विधिवत सूचना आती है जिसके बाद विधानसभा उसकी जांच करती है। उसमें अगर कानूनी राय के हिसाब से उचित है तो उस सीट के रिक्त होने की अधिसूचना निकाली जाती है। इसकी कॉपी निर्वाचन आयोग को जाएगी। आयोग अधिसूचना के आधार पर उस सीट को खाली घोषित करके चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है।